شكرا الله والحمد لله شكرا الله شكرا الله والحمد لله شكرا الله والحمد यहाँ जी हो रहा है टेस्ट थ्री लेयर्स मेरा लज़ानिया इसको पेक किया था और गर्मा गर्म हो रहा है टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे हमारी दुआओं से, और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। ये मेरी प्लेट है और मैं ले रही हूँ इसको लस्सी के साथ। तो फिर आती हूँ जी किसी नए रंग के साथ, दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ने। हाँ जी, तो आ गए हम लज़ानिया बनाने। मैंने कैप्सिकम काटी है एक, और एक बैल पेपर है, ये दो पीस हैं ब्रेस पीस बड़े वाले। मैं बना रही हूँ जी लज़ानिया। तो आ जाए जी, साथ साथ रहें, कैसे हैं मिजाज। ये जी रेड बेल पेपर और एक प्याज है और एक टमाटर है, इनको भी मैं चॉप करूँगी। लज़ानिया शीट्स हैं और ये हर्ब्स हैं थोड़ी सी, और दूध रखा हुआ मैंने, फ्रेश मिल्क, बटर भी है, मैदा है, ये शीट्स हैं सारी। और इस तरह से जी कुछ शीट्स मेरी खुली थी, मैं वो भी यूज़ करूँगी। पहले भी बनाया था। ये टमाटो सॉस, टमाटो प्यूरी या कह लें। और ये जी चार तरह के चीज़ होते हैं मिक्स वाले, बहुत यमी सा टेस्ट होता है। कुक विपिंग क्रीम, नहीं सॉरी कुकिंग क्रीम, और इसमें थाइम है, ऑरिगेनो है, और भूल गई एक और वो है, और ये वाला चीज़ भी मैं यूज़ करूँगी स्लाइस वाला। तो इस तरह से ये रेड वाइट सॉस हमारा रेडी होगा लज़ानिया। कुटा धनिया था, कुटा पिसा हुआ धनिया था, और मसाले में भूल गई, ये चॉप किया हुआ प्याज ये मैंने काट लिया है इधर, कैप्सिकम, और ये बेल पेपर भी कट गई, टमाटो भी हो गए, ऑलिव्स भी काट लिए मैं थोड़ा सा, और कचूमर बनाऊंगी थोड़ा सा और इनको। और पैन आ गया जी हमारा चूल्हे पे, धोने के बाद पानी खुश्क होगा तो मैं इसमें डालती हूँ बटर। और इस तरह से बड़ा मज़े का एक क्रीमी सा हमारा पास्ता रेडी होगा, पास्ता नहीं लज़ानिया रेडी होगा। पास्ता और मैक्रोनी ज़्यादा बनते हैं ना इतनी वो ग्रेन पे होते हैं। ये चॉप के बाद प्याज डाल दूँगी। आप बताएं खैरियत से हैं? बस इसे ज़्यादा हम लोगों ने वो नहीं करना, रेड नहीं करना है इसको। अब इसमें जाएगा ये जी गार्लिक चॉप किया हुआ, ये देखेंगे ये मेरी हाफ है, मैं इसको भी यूज़ करूँगी, और शायद एक और होगी बॉटल इसकी, ये 250 ml की है। ये चली गई जी दोनों इसमें, और अब मैं इसको पानी थोड़ा सा डाल के ना ये को पैन में डाल दूँगी ताकि वो साफ़ ही हो जाए और पानी भी हमारा उसमें चला जाए। ये मैंने इनको चॉप कर लिया, हॉट सॉस, चिली सॉस, ये सारी साथें जाएंगी, और हर्ब्स और ब्लैक पेपर ये भी जाएगा इसमें। चलें जी देखते रहें, आप बताएं क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं सब लोग। ये बस मैं अंदाजे से डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। आपको बनाना हो खाना हो तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं ये चीज़। सोया सॉस भी चली गई, और आजकल मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, तो थोड़े गले भी ख़राब हो रहे हैं। ये चॉप की हुए मैंने डाल दिए इसमें ऑलिव्स भी ग्रीन वाले, थाइम, हर्ब्स, ब्लैक पेपर और थाइम हर्ब्स, ये भी दोनों जाएंगे इसमें। ये ब्लैक पेपर आ गया, क्रश वाला है ये, बिल्कुल पाउडर नहीं है, ये भी चला गया इसमें। क्रश जो है ना घर का बना हुआ, वो ज़्यादा एरोमा भी देता है और मज़े का भी देता है। ये मैंने पानी उसमें थोड़ा सा डाल दिया, साफ़ कर दिया यानी बॉटल को भी, तो पानी इसमें डाल दिया। तो सॉरी जी गला कुछ गड़बड़ है। विनीगर भी चला गया इसमें, और मैं मौसम का कह रही थी कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, जिसको कहना चाहिए कि कांप कांप के सर्दी लगना वैसा नहीं है, लेकिन है नॉर्मल हो गया, एसी वगैरह बंद हो गए, फ़ैन बंद हो गए, अच्छा मौसम है। और साथ साथ भी हम लोग इसको हिलाते जाएंगे, ये हमारी रेड सॉस रेडी हो गई है सारी चीज़ें डाल के,
आपने देख ली, रेडी हो गई। अब मैं बनाऊंगी जी अपना चिकन। इसको भी थोड़ा सा करेंगे, चिकन भी जल्दी से हो जाता है। इसमें मैंने फिर से बटर डाल दिया अपने पैन में, और चिकन डालूंगी और जो वेजी है वो डालूंगी। गार्लिक डाल दिया, इसको करने के बाद चिकन जाएगा। और बहुत सारी बहनों को शिकायत होती है कि हमारी वीडियो पूरी नहीं देखती, जबकि मैं वल्लाह ही मैं सबकी वीडियो पूरी देखती हूँ, और आजकल तो मैं ऐड के साथ देखती हूँ क्योंकि मुझे टाइम लगता है। तो पता नहीं किसी को यकीन आता है या नहीं आता, लेकिन अल्लाह गवाह है मैं वाकई पूरी वीडियो देखती हूँ सबकी। ये चिकन चला गया, चिकन का पानी है इसी में हम लोग इसको सौते कर लेंगे और अच्छे से ये बन जाएगा। ये वेजी भी सारी इसमें चली जाएंगी, टमाटो, बेल पेपर और कैप्सिकम। और मैं बता रही थी कि मैं ऐड के साथ देखती हूँ सबके, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है, इतनी रेगुलर तो नहीं लेकिन जब भी 2 दिन 3 दिन बाद कोशिश होती है कि अपनी भी वीडियो डाल सकूँ, बस जैसे तैसे करके हो जाता है। तो 2-3 दिन बाद अपनी वीडियो भी, और ये देखें कितना कलरफुल लग रहा है। सारी वेजी जाने के बाद चिकन हमारा ये हो गया। ये कुट्टी में रखी, गार्लिक पाउडर था, भुना कुटा हुआ ज़ीरा था, और ये सॉल्ट भी था। सॉल्ट जो है ना टमाटो प्यूरी में भी होता है। और ये जाएंगे थाएँ और ये भी चले गए। और इसका अच्छे से इसको भी मिक्स करने के बाद, पकने के बाद, पानी खुश्क होने के बाद हम इसे भी निकालेंगे। और बाकी भी गिले न शिकवे ना किया करें, बस अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे और ढेरों ढेरों कामयाबियाँ दे। चिकन हो गया मेरा मेरी गपशप में। और इधर मैं जा रही हूँ लज़ानिया शीट्स अपने डालने के लिए। इसमें बटर और नमक डाला है, थोड़ा पानी है ताकि ये चिपके ना आपस में। तकरीबन 8 से 9 मिनट में ये हो जाएंगे, फिर मैं इनको ड्रेन आउट करूँगी। सॉरी, और ये निकाल लिए। ये दरअसल ना थोड़े से हो जाते हैं, चिपक जाते हैं किसी तरह से। अब मैं बना रही हूँ वाइट सॉस अपनी। मैंने दूसरा पैन ले लिया है, इसमें भी डालूँगी मैं बटर, नो सॉरी मैदा। मैदा है जी हमारा 1.5 टेबल स्पून। ड्राई कर लूँगी, इसे भी रेड नहीं करना, बस ये ड्राई ड्राई सा वो करना है इनको, मतलब भून लेना है। इसकी अच्छी सी स्मेल आ जाती है। इसमें बटर ऐड कर लेंगे, दूध ऐड करेंगे, और इस तरह से थोड़ी सी ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करेंगे, तो वाइट सॉस भी हमारी रेडी हो जाएगी। विथ चीज़, चीज़ जो मैंने आपको दिखाया था चारों, वो भी मैं डालूँगी इसमें। लज़ानिया का मसला ये होता है कि उसके लिए लाजम जो है ना ओवन चाहिए होता है हम लोगों को। ये देखिए मेरा ये हो गया था, तो अब इसमें ब्लैक पेपर चला गया। तो पाकिस्तान में गए हो तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइट का मसला हो जाता है जब मौका होता है बनाने का। दूध भी जाएगा इसमें तो वो फिर चीज़ रह जाती है। यहाँ दुबई में ही है कि हर चीज़ माशाल्लाह वाफर वो उसमें होती है, कोई मसला नहीं होता। पानी का, बिजली का, सब कुछ होता है, तो हो जाती है चीज़ तैयार। और ये देखेंगे चार तरह की चीज़ हैं, ये भी जाएंगे इसमें। तो इस तरह ये ना एक बड़ी अच्छी सी, रिच सी, हमारी क्रीमी सी वाइट सॉस रेडी हो जाएगी हमारे लज़ानिया के लिए। ये चारों चीज़ मैंने जो है ना एक एक खाने का चम्मच, यानी 4 चम्मच टेबल स्पून वो इसमें मैंने डाल दिया। चीज़ स्लाइस भी जाएगा, ये चला गया। इसको भी अच्छे से मेल्ट करेंगे और फिर हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। सॉस से ही सॉस से हाथ में ही सॉस से। ये देखें जी ये कुकिंग क्रीम भी जाएगी अब इसके अंदर। ये थोड़ा सा जो है ना काफ़ी वो बटर और क्रीम और चीज़ इस तरह का बनता है, काफ़ी हैवी टाइप का हो जाता है। एक ही स्लाइस से पेट आपका फुल हो जाता है। तैयार होगी जी ये भी। अब मैं पैन को करती हूँ ग्रीस, थोड़ा सा ऑयल डाल के, और अपनी लेयर्स देते हैं अपने लज़ानिया की। चीज आ गई है, देखिए थोड़ी सी गड़बड़ भी लग रही है, और अब जाएगी सॉस। इसी तरह से मैं सारी जो है ना लेयर्स दे दूँगी, सॉस डालूँगी, फिर वो चिकन और वेजी डाल देंगे,
वाइट सॉस आएगी, चीज़ आएगा, और ऑलमोस्ट 3 लेयर्स में मैं इसको करूँगी। तो मेरे हाथ से मेरा गला फिर गड़बड़ हो रहा है, इजाज़त नहीं दे रहा जी। मैं 3 लेयर में करूँगी, आप देखते रहिए। इसको बेक किया था और गर्मा गर्म हो रहा है टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे हमारी दुआओं से, और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। ये मेरी प्लेट है और मैं ले रही हूँ इसको लस्सी के साथ। तो फिर आती हूँ जी किसी नए रंग के साथ, दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ने।